प्रधानमंत्री जी जब तक विदेश में है मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल खुद ही भंडोल कर दिया। क्या हो गया आपको? विदेश में कम से कम देश की बात रखी जाए ना। ये बुरा लगा कि प्रधानमंत्री जी हो क्या गया, अब मैं वाद से निकल ही नहीं पा रहे। तिरंगे में लिपटा शव, उस पर फूलमाला, श्रद्धांजलि, अगले दिन फिर बिजनेस एज यूजुअल। मुझे कष्ट इस बात का है। परसों आपकी वाइट सर्विस ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जब तक विदेश में है मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल खुद ही भंडोल कर दिया। मेरे से पहले कुछ नहीं था, 2014 से पहले देश डिप्रेशन में था। आप सिर्फ पुराने प्रधानमंत्रियों और दलों का अपमान नहीं कर रहे हैं, असंख्य मजदूरों, किसानों, शिक्षकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सबका अपमान कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? विदेश में कम से कम देश की बात रखी जाए ना। यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत अच्छा लगा आपने यूक्रेन वॉर के संदर्भ में कहा, लेकिन ये बुरा लगा कि प्रधानमंत्री जी हो क्या गया, अब मैं वाद से निकल ही नहीं पा रहे। मैं, मेरा, मुझको, इस मैंडेट के बावजूद इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है माननीय प्रधानमंत्री जी को। सर, पिछले कुछ दिनों से जब हम देख रहे हैं आतंकी घटनाओं की, डोडा में ये एक एनकाउंटर अभी भी जारी है, वो भी कन्वॉय पर अटैक किया गया, क्या कहना है? देखिये, मैं लगातार आपके माध्यम से, आपकी वायर सर्विस के माध्यम से मैं ये चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। मैं सदन में था जब 370 का मसला आया था, यूं 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 करके वो बात बोली जा रही थी, सीना ठोक करके। अरे, सीना ठोकने से बात नहीं होती है। आप नॉर्मेलिसी के लिए आपकी पहलकदमियों में क्या कमी रही? अब ये सारी चीजें जम्मू संभाग में हो रही है, क्या कहेंगे आप? जिस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए ना, वो व्यक्ति चुप्पी ओढ़े हुए बैठे हुए। हम अक्सर ये कहते हैं, क्या होता है ना कि हम श्रद्धांजलि दे करके निवृत्त हो जाते हैं। तिरंगे में लिपटा शव, उस पर फूलमाला, श्रद्धांजलि, अगले दिन फिर बिजनेस एज यूजुअल। ये नहीं चलेगा ना भाई, ये कैसे चलेगा? ये आपका हमारा मसला नहीं है, देश का मसला है। कहीं आपसे चूक हो रही है, लगातार आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप।